हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बढ़िया होंगे, हम लोग भी बढ़िया हैं। सो ये है जयपुर का डे टू का प्लेसेस जहां हम लोग घूमने जा रहे हैं। सो फाइनली आप देख रहे हो कि हम लोग कहीं तो जा रहे हैं। मैं बता देती हूँ हम लोग कहां जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं रावत मिष्ठान ब्रेकफास्ट के लिए। ये जयपुर का डे टू है और ये है सिंधी कैंप के पास में, और ये जो मेट्रो स्टेशन है इसके पास में ही है वो। और हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था। हमें पता चला था हमारे किसी फ्रेंड्स के थ्रू कि वहाँ पे कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी होती है, वहाँ पे बहुत ही फेमस है वो। तो हमने कहा चलो हमें भी ट्राई करना चाहिए, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट के लिए वहीं चलते हैं। तो फाइनली हमने वहाँ पे खाई थी कचौड़ियाँ, जो कि दाल कचौड़ी और अनियन कचौड़ी दोनों खाई थी, और चाय पिया था। और इतनी हैवी होती है ना फ्रेंड्स कि आप बस आपको पूरे दिन खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वहाँ से हमने चेक इन कर लिया था वापस आके। हमें दूसरे होटल में जाना था, तो हमने वहाँ पे चेक इन कर लिया था। ये थोड़ा सा उसके बाहर का है व्यू, और जिस होटल का नाम माइलस्टोन 251 था, ये थोड़ा बानी पार्क के पास में है और बहुत ही अच्छा होटल था ये, बहुत अच्छा। जो कि हम ज़्यादा दिन में तो स्टे नहीं करे थे, रात में किया था। और वहाँ पे हमने अपना लगेज रख कर और हम निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि हमारा था सिटी पैलेस, जो कि हमने फर्स्ट डे कवर नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा था सेकेंड डे के लिए रखा हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और अब हम बस पहुँचने ही वाले थे। और हम ये रहा फ्रंट व्यू, गेट पे एंट्री करने के बाद सबसे पहले ये व्यू आया था। और फिर ऐसे थोड़ा अंदर जाने के बाद हमें बैठे हुए वहाँ पर फूड बजा रहे थे। फिर जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने खुद ही बताया कि यहाँ की जो पहली महारानी थी या फिर जो महारानियाँ रही हैं वो लोग यहाँ पे, एक अंदर मंदिर है शंकर जी का और वो लोग उसकी पूजा करती थी। तो ये लोग हमेशा सुबह 10 से 12 बजे की जनरेशन जितनी भी रही हैं यहाँ पे आते हैं और उनकी उसमें बजाते रहते हैं याद में या फिर उनके रिस्पेक्ट में गाने और फ्लूट्स। सो फाइनली वहाँ से निकल कर हम थोड़ा और अंदर गए और ये व्यू हमें मिला था जहाँ पे ये है। मतलब आर्किटेक्चरिंग की तो मतलब बात ही अलग है, आप भूल जाइए, आप मतलब इतने खो जाओगे ना यहाँ पे। और इतने सारे पॉइंट्स हैं आपको फोटोज रील्स सब कुछ बनाने के लिए। आप ये देख सकते हो, ये काइंड ऑफ बरादरी काइंड ऑफ था, आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे, बट बस आप इस पर पेंटिंग्स और इसकी मतलब एक एक चीज़ अगर आप देखते हो ना कैसे बनाया है इसको, कितना टाइम लगा है, कितना दिमाग लगा है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, वाओ। बस इसीलिए ये सब हमारे हेरिटेज है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शायद और फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर सकता इसकी ब्यूटी को, बता दिया लेकिन अगर गो टू जयपुर या कहीं अगर आप पास भी कर रहे हो फॉर श्योर आप जाकर विजिट करो, ठीक है, बहुत ही सुंदर है, एक बार देख लो। पता नहीं आगे का कुछ पता नहीं है क्या ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जरूर लाइफ टाइम में अपने एक बार तो ज़रूर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, या अपने अपना हेरिटेज है यहाँ पे। मतलब कहाँ, मतलब राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुगल्स नहीं आए थे, उन वहाँ पे नहीं है, ये सारा रजवाड़ों का है और मतलब हिंदूज मतलब हेरिटेज है। तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा से बना हुआ है और अभी तक रख। फिर फ्रेंड्स हम यहाँ से निकल रहे थे, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिटी पैलेस बहुत ही बड़ा है, घूमने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, फिर भी हमें 2 घंटे लग गए थे। हमने सोचा था कि हम 1.5 घंटे 1 घंटे में करके वहाँ से निकल जाएंगे। और दूसरी जगह भी हमें जाना था, जयगढ़ फोर्ट और नाहर फोर्ट दोनों बचा हुआ था घूमने के लिए, और 1:30 बज चुका था वहाँ से निकलने के बाद। तो फाइनली हम पहले जयगढ़ फोर्ट जा रहे थे। सुना था जयगढ़ फोर्ट में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, बहुत चीज़ें नहीं है वहाँ पे, बस जयगढ़ फोर्ट की एक ही है, एक बात है वहाँ पे, बस एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनन रखा हुआ है वहाँ पे, जो एक ही बार यूज़ किया गया था, सो वो है। फाइनली हम जयगढ़ फोर्ट पहुँच गए थे और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल वॉल्स हैं। मेनली कहा जाता है कि जयगढ़ फोर्ट जो बनाया गया था वो आमेर फोर्ट की प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ पे मेनली आई थिंक जो भी राजा रहते थे उनकी आर्मी यहाँ पे रहती थी, क्योंकि वॉल्स ऐसी बनी हुई हैं, डिज़ाइन की हुई है, जिससे आप मतलब
कोई भी अगर आक्रमण या फिर कोई भी आपके मतलब पास में आता था या फिर उसको ऑक्यूपाई करना चाहता था या फिर कहीं से भी आप पे अटैक होता था तो आप उसको यूज़ कर सकते थे। आप ये छोटे छोटे होल्स देख रहे हो यहाँ से तीर और वो सब कहाँ बताया जाता था, जो वहाँ पे गाइड लोग थे वैसे वो बता रहे थे कि यहाँ से तीर और ये सब मतलब चलाते थे राजा लोग और उनके जो सिपाही थे, उनके जो आर्मी फोर्सेस थे वो लोग। और ये एक दीवार आप देख रहे हो, ये आम्बेर फोर्ट, वो आम्बेर फोर्ट है नीचे और ये उसके ऊपर जयगढ़ फोर्ट है। तो उधर से भी एक रास्ता है जयगढ़ फोर्ट पे आने के लिए, दो कि हम सिटी से आ रहे थे तो हमने मतलब दूसरा रास्ता चूज़ किया था। अगर हम आम्बेर टू जयगढ़ करते तो हमें शायद वो रास्ते से आना पड़ता। सो बहुत बहुत ही व्यू अच्छा था, बस एक चीज़ की कमी हो गई थी कि मौसम उस दिन अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा फॉगी हो गया था तो इसलिए ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही थी प्रॉपरली, क्लियर नहीं आ रही थी व्यू। तो वहाँ पे हम कंप्लीट करके और फिर हम आ गए नाहरगढ़ फोर्ट, और ये नाहरगढ़ फोर्ट का एंट्री है। तो यहाँ पे एक बावली थी तो हमने सोचा था कि हम उसको देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत ही जैसे नॉर्मल बावलीज होती है वैसे ही थी। तो बस एक छोटा सा शॉट लिया था मैंने यहाँ पे और तो उसके बाद हम लोग चले गए दूसरी तरफ। तो शाम हो रही थी तो हमने सोचा था कि हम पहले सनसेट पॉइंट जाएंगे और सनसेट देखेंगे अगर हो रहा होगा, बट इतना क्लाउडी था, इतना फॉगी था कि हमें सनसेट का सन का तो कोई पता ही पता नहीं था कि कहाँ है क्या है। तो हमें बस व्यूज़ लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, रील्स बनाई और फिर वहाँ से हम वापस आ गए। और ये व्यू है नीचे, जयपुर का पूरा व्यू आ रहा है, सिटी व्यू है। तो वहाँ से नीचे से हमने ये एक छोटी सी विंडो टाइप का था, वहाँ से हमने ये नाहरगढ़ फोर्ट का ये व्यू, बहुत सारे वीडियोस और उसमें मैंने भी देखा था कि कैसे लेते हैं यहाँ पे, मुझे हमेशा से लगता था कि हम लोग नीचे से इस पर चढ़ते एंड देन वहाँ जाते वक्त सनसेट दिखता है और फिर ऐसे होता है, फिर बाद में यहाँ जाकर पता चला नहीं ऐसा नहीं है, ये दूसरे रास्ते से आना पड़ता है, ये व्यू देखता है। और ये एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे, आपको बहुत लोग दिख जाएंगे वहाँ पे चढ़ते हुए जाते हुए आते हुए, बट वो लोकल्स होते हैं जो डाउन साइड से ऊपर आते हैं, बट इधर से कोई भी रास्ता नहीं है ऊपर साइड से उधर नीचे जाने के लिए। सो फाइनली हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ आ नहीं रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉगी था। हम सोच रहे थे कि नीचे सिटी कैप्चर हो जाता तो बहुत अच्छा लगता, कैमरा भी वर्क नहीं कर रहा था, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा फॉगी था। तो हमने बस यहाँ पे और फिर ऊपर जाके थोड़ा सा सिटिंग एरिया थोड़ा और ऊपर जाकर था तो हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई थी और फिर थोड़ी देर बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो फिर हम वहाँ से वापस चले आए। फिर जाते जाते फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, बहुत सारे बंदर थे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपके हाथ में कोई भी इटली है मतलब कि कोई बॉटल है या खाने का कोई भी सामान है आपके हाथ में तो बंदर आपके हाथ से ले लेंगे। तो बी केयरफुल जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो। तो होपफुली आप फ़ोन और कैमरा तो ये मैंने नहीं देखा वो छीनते हुए, हाँ बट अगर आपके हाथ में कैन है, पानी का बॉटल है या फिर खाने का कोई भी चीज़ है तो वो आपके हाथ से छीन लेंगे। तो उसके लिए भी थक गए थे ना गाइस के, मतलब अब वो बस लग रहा था कि बस अब नीचे जाना है, अब वापस जाना है। और मेरा तो एकदम मतलब जो फोर्ट के अंदर का पैलेस टाइप का था वो घूमने का मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, इतनी थक गई थी मैं। फिर ये हुआ था कि इतनी दूर तक आ गए हैं तो फिर अंदर चल भी लेते हैं, फिर दोबारा तो आना पता नहीं कब होगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, डिसाइड कर लिया था। फिर हम अंदर गए, अंदर भी काफ़ी भीड़ थी बट ठीक है, हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और वो। और यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो तो लेफ़्ट साइड पे आता है सूर्य प्रकाश और एक ये आता है रात्रि प्रकाश करके, चंद्र प्रकाश करके, ये दोनों चीज़ें दो चीज़ों में डिवाइड की गई है। लेफ़्ट साइड जहाँ पे सूर्य प्रकाश है वहाँ पे कहा जाता है, वहाँ के जो गाइड्स थे वो बता रहे थे कि रानियाँ जब ठंडी होती थी तो वो लोग उस साइड रहते थे और जब चंद्र प्रकाश जब रात होती थी या फिर जब गर्मी होती थी तो वो चंद्र प्रकाश साइड पे मतलब राइट साइड के एरियाज़ में स्टे करते थे। और फिर इसके अंदर हमने इनका किचन, बेडरूम और उनकी जो भी दासियाँ थी और जो उनके हेल्पर्स थे उनके रूम्स देखे हमने प्रॉपरली। ये इनके गेस्ट मतलब उनके हेल्पर्स के रूम थे, वो साइड में किचन है, जो ये दोनों साइड किचन था इनका। और ये मैं आपको किचन अंदर से भी दिखाती हूँ, बहुत अंधेरा था, ज़्यादा नहीं था बट ये किचन था। ये इनका कैबिनेट है और
ये मेरा, ये मतलब प्लेटफॉर्म एरिया जहाँ पे आप खाना बना सकते हो, और ये चिमनी एरिया था, वो साइड में ऊपर दिख रहा होगा आपको, वो चिमनी एरिया था, और फिर ये प्रॉपरली ऐसा किचन था, और ये था बेडरूम एरिया जो कि आई थिंक सेकेंड फ्लोर पे था, सेम आर्किटेक्चरिंग थी ग्राउंड एंड सेकेंड। सो फ्रेंड, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये हम थे सूर्य प्रकाश साइड पे, और इसके अपोजिट था चंद्र प्रकाश, तो दोनों की आर्किटेक्चरिंग सेम है, सारे रूम सेम हैं, और बस बहुत मस्त हवा आ रही थी, मज़ा आ रहा था, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा। और फ्रेंड्स, उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, और फिर इस वाले होटल का भी रूम टूर तो बनता है, तो फाइनली अब रूम टूर करते हैं थोड़ा सा। तो ये भी अच्छा रूम था, बहुत अच्छा। तो ये फ्रंट में का वॉशरूम था, और फिर उसके बाद उन्होंने बेड था, उसके बाद इन्होंने एक साइड बेड भी दिया हुआ था, और फिर ये टीवी, और सबसे एरिया जो मुझे अच्छा लगता है सो फ्रेंड्स, ओवरऑल रूम ठीक था, अच्छा था, और वैसे भी हमें नाइट ही स्टे करना था यहाँ पे, तो बहुत सारा डिमांड जो था वो नहीं था, बस एक चीज़ की कमी थी कि ठंड थी, तो यहाँ पे ब्लोअर या फिर रूम हीटर कुछ तो होना चाहिए था, कुछ तो प्रोवाइड करना चाहिए था, वो नहीं था। सो फाइनली बच गए थे 7:30, और बता दूँ कि आज मेरा यस फ्रेंड्स, सो आज है मेरा बर्थडे, और हमने बाहर डिनर प्लान किया हुआ था, तो हम जाने वाले थे, और हम वहाँ पहुँच चुके थे इनफैक्ट, और वो प्लेस का नाम है पकवान, जो कि इस पास में ही था हमारे होटल। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग डे 2 का ख़त्म करती हूँ, और फिर एक और आऊँगी जो कि डे 3 का ब्लॉग है, जिसमें हमने हाफ डे, क्योंकि हमारी ट्रेन थी तो हमें उस दिन जाना भी था, तो हमने कुछ प्लेसेस उस दिन भी कवर किए थे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Jaane kahun phir bhi